सीएनबीसी आवाज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिसंबर तिमाही के नतीजों की शुरुआत हो चुकी है। इस बार नतीजों से क्या उम्मीदें हैं और नतीजों से पहले किन सेक्टर्स में निवेश फायदेमंद होगा और किन सेक्टर से रहना चाहिए दूर, यही जानने के लिए आइए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट इंडिया का फिटनेस टेस्ट। हमारे साथ है एचआरबीवी क्लाइंट सॉल्यूशंस के चीफ एग्जीक्यूटिव टीएस हरिहर और ट्रेड सेट ब्रोकिंग के संदीप जैन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो ये जो पिछली तिमाही है इसपे आंकड़े शायद आपको ज्यादा अच्छे दिखाई देंगे, क्योंकि पिछले साल इसी तिमाही में डिमोनेटाइजेशन लागू हुआ था तो कंजम्पशन रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज हैं, जितनी भी सेक्टर्स हैं, सब में ही आपको उसका असर दिखाई देगा। लो बेस होगा जिसकी वजह से आपको यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है ईयर ऑन ईयर, लेकिन वाकई क्या वो बेहतर होगी हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं। हरिहर साहब, आपको क्या लगता है इस तिमाही में किस तरीके के नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, हमारा मानना है कि सर्टन शायद हमको अच्छा नंबर्स देखने को मिलेगा। आई थिंक एक तो ऑटोज में वी आर लाइकली टू सी वेरी गुड नंबर्स। आई थिंक दूसरा मेटल्स एक ऐसा सेक्टर जहां पे अच्छा नंबर्स देखने को मिलेगा। जहां तक ओवरऑल मैक्रोस का सवाल है, नवंबर के कोर सेक्टर नंबर्स बहुत ही अच्छे आए हैं और इन जो ऑटो नंबर्स रहे हैं दिसंबर नवंबर दोनों के बहुत ही अच्छे आए हैं। आई थिंक ऑन टॉप ऑफ दैट आप यदि पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग देखोगे तो 54.7 पे इट्स एट अ टू ईयर हाई। तो आई थिंक इन सभी बातों को देख लेकर के शायद से ये जो दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर है ये दोनों क्वार्टर अच्छे रह सकते हैं। और एक और बात आपने भी सही कहा कि जो पिछला थर्ड क्वार्टर था 2016 का थर्ड क्वार्टर जो था वहां पे एक लो बेस के कारण डेफिनेटली एक एडवांटेज रहेगा। इवन इफ यू लीव दैट असाइड, मैं मानता हूं कि काफी सारे जो ग्रीन शूट्स है यही संकेत दे रहे हैं कि दिस शुड बी अ गुड क्वार्टर फॉर सेलेक्टेड सेक्टर्स। संदीप, क्या आपको भी लगता है कि आप ग्रीन शूट्स साफ दिखाई देंगे और यहाँ से जिस कॉर्पोरेट इंडिया के टर्नअराउंड स्टोरी की हम बहुत दिनों से उम्मीद कर रहे हैं वो शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। देखिए, जिस तरीके से कंजम्पशन लेड स्टॉक्स जो है वहां पे रिजल्ट्स अभी आने शुरू है, वहां पे भी अच्छा दिख रहा है। और जो अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी अगर बात सुने, फाइनेंस मिनिस्टर की भी, कि वो अब इकोनॉमी पे और ज्यादा फोकस करने वाला, तो आने वाले दिन तो अच्छे होने ही है। और लास्ट क्वार्टर भी इनफैक्ट उम्मीद से बेहतर रिजल्ट्स देने में सक्षम हुए कई लीडिंग कंपनीज। और जैसा कि आपने कहा कि लो बेस इफेक्ट की वजह से ये क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। और जिस तरीके का पीएमआई डेटा भी आया, जो हरिहर साहब भी कह रहे थे, पीएमआई डेटा को देख के लगता है कि कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है वहां पे भी बिल्कुल कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे सरकार का फोकस रहने वाला है, तो मुझे लगता है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है इन टाइप के सेक्टर्स में सर्टेनली कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। इंफ्रास्पेस में अच्छा देखने को मिलेगा। फार्मा जो कि बिटन डाउन था वहां पे सर्टेनली यूएस की ग्रोथ की वजह से बेटर दिखेगा। कुछ ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स है यूएस में भी, कुछ जैसे कि कल अच्छे नंबर्स आए थे तो उसकी वजह से ऑटो इंसिलरी के स्टॉक्स भी अच्छे करते हुए दिखेंगे मुझे। ऑलराइट, चलिए अब सेक्टोरली फोकस करते हैं। सबसे पहले एक ऐसा स्पेस जो कि काफी ज्यादा एटलीस्ट ऑपरेशनली काफी ज्यादा बुरे दिन देख चुका है और वो है बैंकिंग और एनबीएफसी। संदीप, आपको क्या लगता है बैंकिंग स्पेस पर, लगता है यहाँ से इस बार जो एनपीएस के आंकड़े हैं वाकई बॉटमिंग आउट हो चुकी है, उनकी बेहतर आंकड़े निकल कर आएंगे इस बार? क्या उम्मीद कर रहे हैं आप एनबीएफसी और बैंकिंग स्पेस से? देखिए, रिसेंटली एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट भी आई थी और एनबीएफसी की क्रेडिट ग्रोथ को लेकर भी काफी बुलिश थी वो कंपनी, 18-20% के लगभग की ग्रोथ बताई है। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जिस तरीके से सरकार का कंजम्पशन पे, रूरल कंजम्पशन पे फोकस है, तो सर्टेनली एनबीएफसी अच्छा करेंगे। और जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो लास्ट ईयर डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत अफेक्टेड हुए थे, तो वहां पे भी कुछ अच्छा ही अब देखने को मिल रही है। और एनपीएस की जो प्रॉब्लम हो तो सर्टेनली बनी रहेगी और अब आगे आने वाले दिनों में सर्टेनली वो सॉल्व होगी और कहीं ना कहीं ये भी अब क्लियर हो गया कि बॉटमिंग आउट प्रोसेस तो दिख रहा है। और सरकार भी पीछे पड़ चुकी है कि ये पूरे जो एनपीए की जो प्रॉब्लम है उसको जड़ से निकालने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक्स एंड एनबीएफसी जो एक तरीके से पीएसयू बैंक्स थे, वो लगाड़ जो थे, अब कहीं ना कहीं वो ठीक होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि एसबीआई, बीओबी, पीएनबी जो बड़े बैंक्स हैं वो सर्टेनली जो प्राइवेट सेक्टर के जो हैवीवेट्स हैं जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, उनको कम्पीट करने में आने वाले दिनों में, आने वाले क्वार्टर्स में सक्षम भी रहेंगे। ओके,
हरियर जी, कंजम्पशन बेहतर है ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है. आप देखिए दिसंबर में ऑटो सेल्स या कि बाकी सारी चीजें भी बेहतर ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन उसकी वजह से शायद एनबीएफसी का जो क्रेडिट ऑफ टेक है बिकॉज मे बी ऑटो लोन्स अच्छा निकल कर आएगा, लेकिन क्या बैंकिंग से भी आपको लगता है बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है? लग रहा है कि टॉप लाइन बॉटम लाइन बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे बैंक्स, और साथ ही एनपीएस पर क्या व्यू है आपका? देखिए मुद्दा मेरा मानना है कि जहां तक एनपीए साइकिल का सवाल है, वी आर प्रोबेबली वेरी क्लोज टू बॉटमिंग आउट. मैं ये नहीं कहूंगा कि हम बॉटम हो चुके हैं, बट वी आर वेरी क्लोज टू बॉटमिंग आउट. शायद यहां से और एक या दो क्वार्टर हमें कुछ परेशानी हो सकती है, बट मैं मानता हूं कि ये क्वार्टर में हमको थोड़ा एनपीएस बढ़ते हुए दिखेंगे, खास करके पीएसयू बैंक्स के. तो जहां तक पीएसयू बैंक्स का सवाल है, डेफिनेटली आई थिंक प्रेशर बना रहेगा. मेरा मानना है कि जो ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा वो प्राइवेट बैंक्स में देखने को मिलेगा, बिकॉज हम पिछले दो तीन क्वार्टर्स में देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंक्स थोड़े म्यूटेड रहे. दे हैव नॉट बीन नेगेटिव, बट नंबर्स हैव बीन लिटिल म्यूटेड. मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें एक ग्रोथ रिवाइवल देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कंजम्पशन का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है वो नॉर्मली प्राइवेट बैंक्स होता है, क्योंकि जो रिटेल पोर्टफोलियो है ये प्राइवेट बैंक्स के पास बड़ा है. पीएसयू बैंक्स का ज्यादातर पोर्टफोलियो अभी कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग और इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग में है, तो उसको आई थिंक रिवाइव करने के लिए थोड़ा शायद और एक दो क्वार्टर लग सकता है. बट आई एग्री दैट वी आर वेरी क्लोज टू बॉटमिंग आउट ऑन द एनपीए साइकिल. बट जहां तक ग्रोथ का सवाल है, मैं मानता हूं कंजम्पशन का जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो ज्यादातर हमें एनबीएफसी में कुछ हद तक देखने को मिलेगा, बट काफी हद तक हमें प्राइवेट बैंक्स भी देखने को मिलेगा इंपैक्ट. Right, तो प्राइवेट बैंक से बेहतर नतीजों की उम्मीद, लेकिन अब एक और स्पेस एफएमसीजी पर फोकस करेंगे. हरियर जी, आपको क्या लगता है यहाँ पर? डेफिनेटली एक इम्पैक्ट देखेंगे, लो बेस था लास्ट ईयर, वहां से बेहतर वॉल्यूम्स दिखाई देंगे. स्पेशली जो हमारी उम्मीद है वो ये है कि करीब 14% नॉन सिगरेट रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा इस तिमाही में. क्या सलाह लेकर चल रहे हैं आप? आपको लगता है यहाँ पर कहीं आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है? क्योंकि रूरल ग्रोथ पर फोकस करने की बात तो है, लेकिन वो आगे होने वाली है. आपको लगता है अब भी कुछ असर दिखाई देगा क्या? मुझे लगता है कि ये जो क्वार्टर है इसमें काफी बड़ा एक पॉजिटिव सरप्राइज एफएमसीजी से आ सकता है, और मैं सिगरेट्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं सिगरेट्स इंडस्ट्री में ओवरऑल थोड़ा नेगेटिव हूं, बट जो नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस है वहां पे हमें लगता है कि ये वाला क्वार्टर काफी पॉजिटिव हो सकता है. मिसाल के तौर पर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जाम्पल लीजिए. देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर शायद 3-4 क्वार्टर पहले 2% पे टॉप लाइन पे ग्रो हो रहा था, पिछले क्वार्टर हमने देखा कि 4% पे ग्रो हुआ. हमारा मानना है कि ये क्वार्टर में शायद 4% से और ऊपर जा सकता है. तो जहां तक आई थिंक एक कंजम्पशन रिवाइवल का सवाल है, मुझे लगता है कि एफएमसीजी का जो स्पेस है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज हो सकता है. शायद हम ये इस वक्त कहना मुश्किल है कि कितना ग्रोथ होगा, बट हमारा मानना है कि ये एक पॉजिटिव सरप्राइज ये क्वार्टर में हो सकता है. ओके संदीप, क्या आपको भी लगता है कि आईटीसी से शायद एक सबड्यूड नतीजे निकल कर आए? बिकॉज उनके ऊपर जीएसटी इंक्रीज जीएसटी का प्रेशर काफी ज्यादा पड़ा है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सिगरेट बिजनेस. और साथ ही जैसा कि जीएम ब्रिवरीज में हमने देखा, क्या लगता है यूनाइटेड स्पिरिट्स से भी धमाकेदार नतीजे निकल कर आएंगे? बिल्कुल. देखिए मैं जब शुरुआत में कह रहा था तो मेरे दिमाग में यही कंपनी के जो कल रिजल्ट्स आए थे वो बेहतरीन थे. इनफैक्ट छोटी कंपनी है, लोग ज्यादा नजर नहीं करते हैं, बट फिर भी जिस तरीके के रिजल्ट्स थे तो सर्टेनली देखिए कंजम्पशन लेड जो स्टोरी है भारत की, इनफैक्ट जो रूरल इंडिया की है वो इंटैक्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि एफएमसीजी स्पेस में भी सर्टेनली रिजल्ट्स अच्छी आने चाहिए. और हालांकि ये स्पेस ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ग्रो करता है कि 10-12% 15% के कैगर से ग्रो करे, बट इनके 5-6% भी बहुत होते हैं, क्योंकि बहुत ही रोबस्ट और बहुत ही स्टेबल ग्रोथ होती है और जीडीपी के आसपास ही रहते हैं इनके ग्रोथ के नंबर्स. बट इस बार चूंकि लो बेस इफेक्ट है उसकी वजह से हो सकता है कि बेहतर नंबर्स दिखें. और एफएमसीजी में जैसे कि एचयूएल है, बजाज कॉर्प है, ये टाइप के, और जो हेयर सेगमेंट में हेयर ऑयल सेगमेंट में भी है वहां पे जीएसटी नीचे है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ओवरऑल कई एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है जिसमें जीएसटी को घटाया भी है सरकार ने जब जीएसटी की इनिशियल प्रॉब्लम्स को रिव्यू किया और उसके बाद. तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा जीएसटी का इंपैक्ट जरूर से दिखेगा इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, बट आने वाले क्वार्टर्स इस सेक्टर के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं ऐसा मेरा मानना है. ओके, एक और स्पेस की बात करते हैं, अगेन कंजम्पशन लेड स्टोरी, ऑटो स्पेस. बेहतरीन दिसंबर के आंकड़े, नवंबर के भी आंकड़े, नवंबर महीने के सेल्स के आंकड़े भी बहुत अच्छे निकल कर आए. सरप्राइजिंग थे इतने बेहतरीन आंकड़े निकलकर जो ऑटो सेक्टर ने दिखाया, लेकिन उसके साथ साथ अब जो कमर्शियल व्हीकल के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो भी अच्छे निकल कर आ रहे हैं.
ऑटो स्पेस और ऑटो एंसिलरी, लगता है ये बड़ा सरप्राइज होगा, पॉजिटिव सरप्राइज हरिया जी, या फिर एक्सपेक्टेड है क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा इंक्रीज हम देख चुके हैं इनकी कीमतों में? क्या है आपका व्यू इस वक्त? देखिए, ऑटो स्पेस के काफी सब सेगमेंट्स है. एक तो कंज्यूमर पैसेंजर कार सब सेगमेंट है, एक हेवी व्हीकल्स का सब सेगमेंट और एक टू व्हीलर्स का सब सेगमेंट है. हमारा मानना है कि जहां तक टू व्हीलर्स और हेवी व्हीकल्स का सवाल है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आने की उम्मीद है. आई थिंक दो चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा. पहली बात तो यह है कि बिकॉज ऑफ अ लो बेस इन नवंबर लास्ट ईयर, डेफिनेटली हमें एक नंबर अच्छा नंबर देखने को मिलेगा. दूसरी बात यह भी है कि टॉप लाइन ग्रोथ डेफिनेटली होगा, पर हमारा मानना है कि काफी सारे जो ऑटो कंपनीज हैं, इन्होंने अपने सेल्स को पुश करने के लिए हेवी डिस्काउंट्स दिए हैं, तो शायद से जो तेजी से आपका टॉप लाइन ग्रो होता है वो तेजी से आपके प्रॉफिट्स ग्रो नहीं होंगे. बट मेरे ख्याल से दिस विल बी अ कॉन्शियस डिसीजन बाय अ लॉट ऑफ ऑटो कंपनीज कि ये, जैसे मैं कहता हूँ कि सेल्स को रेवेन्यू ग्रोथ परचेस करेंगे, दे विल परचेस इट विद लोअर प्रॉफिट ग्रोथ. तो शायद आपको ये क्वार्टर में अच्छा टॉप लाइन ग्रोथ देखने को मिलेगा, पर प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा कम होगा एज फार एज ऑटो स्टॉक्स आर कंसर्न. बट आई थिंक द की सेक्टर्स टू वॉच आउट फॉर heavy vehicles, two wheelers, I think यहाँ पे positive surprise आ सकता है. And of course, commodity prices भी ऊपर गए हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर analysts ये expect कर रहे हैं कि शायद margins पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है. हमारे expert जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कुछ और sectors पर चर्चा करेंगे उनके साथ break के बाद. देख रहे हैं आने वाले नतीजों पर हमारी खास पेशकश. हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट टीएस हरिहर और संदीप जैन जुड़े हुए हैं. संदीप, एक स्पेस पावर जिसकी जिक्र आप कर रहे थे, यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिव खबरें आई, उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन और अब रुपए का भी एक फैक्टर है, तो क्या लगता है कि फार्मा सेक्टर आउट परफॉर्म कर पाएगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा सेक्टर अब कहीं ना कहीं बेहतर करेगा. जिस तरीके से यूएस की जो एफडीए रिलेटेड इश्यूज थे वो काफ़ी हद तक इस क्वार्टर में देखने को मिला कि कंपनीज के साथ रिजॉल्व हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो यूएस में जो रिकवरी आई है, जो ओवरऑल ग्रोथ आई है, उसका भी बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा. और हालांकि थोड़ा सा वहाँ पे मार्केट्स में प्राइसिंग प्रेशर जरूर से बना हुआ था, बट ओवरऑल जो खास बात है कि इन कंपनियों का भी लो बेस का एक इफेक्ट का बेनिफिट मिलेगा, और जिस तरीके से अंडर परफॉर्म किए हैं ये पिछले सालों में, तो मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा स्टॉक्स में थोड़ी भी बेहतर न्यूज आएगी तो वो सर्टेनली बहुत बड़ा एक बाउंस लाएगी इन स्टॉक्स में. तो मेरे हिसाब से तो फार्मा सेक्टर आने वाले क्वार्टर्स में सर्टेनली जो इंडियन फार्मा मार्केट में भी जो सेल्स की रिकवरी आई है और यूएस मार्केट्स में भी जो बेहतर चीजें हुई है, उसकी वजह से आने वाले दिनों में फार्मास कंपनीज अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है. ओके, हरिहर सर, आईटी स्पेस यहाँ पर रुपए की मजबूती का एक असर जरूर देखेंगे, लेकिन बाकी जो करेंसीज हैं वो रिलेटिवली स्टेबल रही हैं. क्या व्यू लेकर चल रहे हैं आप आईटी स्पेस के नतीजों के ऊपर? देखिए, हमारा मानना है कि आईटी लार्जली न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि डेफिनेटली एक पॉजिटिव ये है कि शायद से हमें अगले कुछ महीनों में शायद एक टैक्स पेंडिंग पे एक बूस्ट देखने को मिलेगा. तो डेफिनेटली आई थिंक जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपना ऑफरिंग्स भी ब्रॉडन कर रहे हैं और अपना प्राइसिंग भी इंप्रूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक कुछ ग्रीन शूट्स है. पर दो चीज शायद से आईटी कंपनीज के खिलाफ जाएंगे. पहली बात तो जैसे आपने कहा, जो रुपी स्ट्रांग हो रहा है, अभी आई थिंक कल 63.40 तक आ चुका है, तो ये एक बहुत ही एक शार्प अप्रिसिएशन है और इसका आई थिंक एक नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली यूएस बिजनेस पर पड़ेगा. दूसरी बात, ये जो ट्रंप सरकार ने नया रूल लाया H1B वीजे का, आई थिंक इसका भी काफी हद तक एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है. शायद से ये क्वार्टर में देखने नहीं मिलेगा, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज शायद से ये क्वार्टर में थोड़ा कॉशियस रिजल्ट अनाउंस करना प्रेफर करेंगे. तो मुझे लगता है कि आईटी एट बेस्ट कुड बी अ मार्केट परफॉर्मर, कोई आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद तो हमें नहीं करनी चाहिए. ओके, संदीप, कुछ एक कोर सेक्टर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मेटल एंड माइनिंग, यहाँ पर आप क्या उम्मीद करके चल रहे हैं? स्टॉक्स तो बहुत तेजी से भागे हैं, ऑलमोस्ट हाईस पर चल रहे हैं, 52 वीक हाईस पर. क्या एक्सपेक्टेशन है मेटल और माइनिंग स्पेस से? नहीं, सर्टेनली देखिए, रिजल्ट्स तो अच्छे आएंगे जिस तरीके की प्राइसेस रही है. इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में बेस मेटल्स की प्राइजेस तो इनफैक्ट एकदम बहुत ही स्ट्रेंथन हुई और कुछ बेस मेटल्स तो अपने लाइफ टाइम हाइज के आसपास भी पहुंचे हुए हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल
जो मेटल कंपनीज है वो परफॉर्म भी करेंगी और अच्छे रिजल्ट्स भी पेश करेगी, और उसको ऑलरेडी मार्केट ने काफी हद तक डिस्काउंट भी किया, भले वो टाटा स्टील की प्राइसेस में हो या सेल की प्राइसेस में हो, बहुत फेरस एंड नॉन फेरस बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और जरूरी भी था कि जिस तरीके से 8 साल की एक साइक्लिकलिटी के हिसाब से जो एक डाउन ट्रेंड में था स्टील सेक्टर, अब वो पिछले कुछ क्वार्टर से बेहतर दिखाने लगा है, तो टाटा स्टील, सेल, फिर मोइल है और हिंडालको है, एल्युमिनियम प्राइसेस बहुत स्ट्रेंथन हुए हैं, नालको तो, और कॉपर की प्राइसेस भी बहुत अच्छी चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये सेक्टर की सारी कंपनियों के रिजल्ट्स तो अच्छे आने वाले हैं, बट मैं एक चीज वर्ड ऑफ कॉशन भी दूंगा कि ये ध्यान रखिए कि ये आइटम्स बहुत ही कमोडिटी ओरिएंटेड आइटम्स है, और जब बहुत ज्यादा हीटेड अप हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन पे जब फर्क पड़ेगा, और मेरे ये लेवल्स पे इन्वेस्ट करने कहीं ना कहीं डाउनसाइड रिस्क बढ़ जाती है, तो बहुत कॉशियसली जहां पे मूव नहीं आए अप मूव और जहां डाउनसाइड रिस्क कम है उन टाइप के स्टॉक्स पे बेट लगाए निवेशक तो ज्यादा बेहतर हो। ओके, तो संदीप को लगता है मेटल्स में बढ़त अच्छी आ चुकी है, इसकी वजह से थोड़ा सा कॉशियस व्यू है इनका। लेकिन हरियाश जी, आपसे समझना चाहूंगी सीमेंट और इंफ्रा। सीमेंट कीमतें काफी दबाव में रही, 2.5% के आसपास तिमाही दर तिमाही हमने डिप देखा सीमेंट की कीमतों में। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आउटलुक, ऑर्डर बुक बढ़िया रही लेकिन एग्जीक्यूशन रिस्क वहां पर है, तो इन दोनों सेक्टर से आप क्या उम्मीद करके चल रहे हैं? देखिए, जब हम सीमेंट की बात करते हैं एक बात हमें याद रखनी चाहिए, ये बार जो कोर सेक्टर का नंबर्स आया था उसमें आई थिंक एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सीमेंट का था, क्योंकि आई डोंट थिंक इतनी उम्मीद की जा रही थी कि सीमेंट में इतना अच्छा ग्रोथ आएगा, बट आई थिंक सीमेंट ग्रोथ हैज बीन एक्सट्रीमली पॉजिटिव इन द कोर सेक्टर नंबर, सो वो आई थिंक एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से दो चीजें हो रही है, एक तो ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग वगैरह की बात कर रहे हैं इससे आई थिंक सीमेंट डिमांड में एक टर्न अराउंड आ रहा है। प्राइसेस शायद अब भी आई थिंक पूरी तरह से स्टेबिलाईज हुए नहीं है, बट डेफिनेटली आई थिंक सीमेंट डिमांड में एक टर्न अराउंड आया है। दूसरी बात ये भी है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा थ्रस्ट दिया इंफ्रास्ट्रक्चर को, फिर वो सागरमाला हो या इनलैंड वाटरवेज हो, आई थिंक इन सबका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा सीमेंट डिमांड पे। तो हमारा मानना है कि ये बार हमें सीमेंट डिमांड में टॉप लाइन ग्रोथ देखने को मिलेगा, बट सिंस प्राइसिंग इज नॉट बीन टू फेवरेबल शायद आपको प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा देखने नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली यस, टॉप लाइन ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ आई थिंक ये बार सीमेंट में अच्छा और पॉजिटिव रहना चाहिए। राइट आचार्य, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, सेक्टर्स पर हमने फोकस कर लिया, कहां से बेहतर नतीजे निकल कर आएंगे, कहां पर उतने ज्यादा अच्छे नतीजे शायद ना निकल कर आए, लेकिन अब सवाल ये है कि नतीजों के पहले कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप निवेश करके फायदा कमा सकते हैं, समझेंगे ब्रेक के बाद। इंडिया का फिटनेस टेस्ट तो हमने ले लिया, लेकिन अब ये जानने का वक्त है कि इस फिटनेस टेस्ट में विनर कौन है। हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट टीएस हरिहर और संदीप जैन जुड़े हुए हैं। संदीप बताइए, नतीजों के पहले कौन से स्टॉक में लगाएं पैसे? देखिए, फिटनेस टेस्ट के बाद मेरे को जो दो स्टॉक्स फिट लगे, क्योंकि मार्केट बहुत चल चुका है और कहीं ना कहीं बहुत सारे फ्लैप्स भी हो चुके हैं मार्केट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टॉक्स नहीं चले हैं और जो कि अंडर परफॉर्म किए हैं इस पूरे रैली में, उन स्टॉक्स को चुनने की कोशिश की है। तो मैंने पहला स्टॉक लिया FSL, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। इनफैक्ट ये एक BPO कंपनी है और US में बहुत बड़ा मार्केट है इस कंपनी का, और जिस तरीके से US में टैक्स कट्स हुए हैं तो सर्टनली उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये कंपनी रहेगी। और जिस तरीके से वैल्यूएशंस की बात करें तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस में, करीब 10 के पी मल्टीपल पे ऐसे मार्केट्स में भी कोई स्टॉक अवेलेबल हो तो मुझे बहुत सस्ता लगता है। और 13-15% की कैगर से पिछले 3 साल ग्रो की है, 2700 करोड़ की कंपनी है और करीब 300 करोड़ का प्रॉफिट सालाना ये कंपनी दिखाती है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए, और CSC जो RPG ग्रुप की कंपनी है उसके डीमर्जर से भी इस कंपनी को भी फायदा होने वाला है, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में इन लेवल्स पे निवेश करना बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, और आराम से करीब 52 रुपए से 55 रुपए का टारगेट ये 6 से 9 महीने की अवधि में छुएगा। और दूसरा स्टॉक है मॉइल मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड। इनफैक्ट ये कंपनी मेटल स्पेस में देखा जाए तो जिस तरीके से बाकी स्टॉक्स बहुत ज्यादा चले हैं पिछले एक महीने में, ये स्टॉक वैसे अंडर परफॉर्म किया, और मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से मोनोपोलिस्टिक प्लेयर भी है ये कंपनी, ऐसे इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा नहीं, और प्राइसेस भी अभी इस कंपनी ने इंक्रीज किए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लेवल्स पे ये स्टॉक है करीब 245-50 के लगभग, यहाँ से ये आराम से 350 का लेवल आने वाले कुछ महीनों में छू सकता है, वैल्यूएशंस के लिहाज से चूंकि सस्ता इसी। ओके जी जी, ऑलराइट हरिया जी, आपकी क्या राय है, कहाँ आप देख रहे हैं मौके पैसे लगाने के?
देखिए हमारे नजर में दो स्टॉक्स है, पहला तो हिंडाल को यू नो जो एल्यूमिनियम और कॉपर मैन्युफैक्चरिंग में एक लीड रोल प्ले करती है। पहले बात तो हिंडाल काफी एग्रेसिवली अभी एक्विजिशंस में जा रहा है और उन्होंने रिसेंटली यू नो यूएस के एलरिस के लिए 2.5 बिलियन डॉलर्स का बिड भी डाला हुआ है। आई थिंक नोवेलिस टर्न अराउंड हो रहा है, जिस तरह से ग्लोबली फैक्ट्री आउटपुट टर्न हो रहा है, जैसे यूरोप में हो, जापान में हो, मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम का डिमांड काफी बोयंट रहेगा। तो हिंडाल को हम देख रहे हैं 360-380 के टारगेट से एक स्टॉक देख रहे हैं। दूसरा एक एग्री प्ले है जो यू नो जेन इरिगेशन, जो ड्रिप इरिगेशन पे काफी हद तक काम करता है और हमारा मानना है कि इवन अपार्ट फ्रॉम द क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो यू नो गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर पे फोकस रहेगा, इससे बहुत बड़ा एक फायदा यू नो जेन इरिगेशन को होगा। और ये वर्चुअल एक मोनोपोली प्रोडक्ट प्लेयर है, ये काफी सब्ड्यूड रहा है काफी सालों से, हमें लगता है कि ये स्टॉक फाइनली एक ब्रेकआउट के स्टेज पे है, तो इस पे हम लगभग 200 रुपए के टारगेट लेके चल रहे हैं। राइट, इसी के साथ हरिया जी और संदीप आप दोनों से इजाजत लेने का वक्त, थैंक यू सो मच आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, नमस्कार।